यमराज काफी सुंदर और आकर्षक दिखते थे। अपनी सुंदरता को लेकर यमराज को भी काफी गर्व था और वह बार बार अपने आप को निहारते रहते। उनका कार्य था कि एक मृत शरीर से आत्मा को बाहर निकाल के उसके कर्म अनुसार उसे स्वर्ग या नरक भेजना। पर एक बार वह अपनी सुंदरता को निहारने में काफी खो गए और वह अपना कार्य करना भूल गए, जिसके कारण कोई भी जीव इस धरती को छोड़ ही नहीं पा रहा था। सभी अमर होने की खुशी मनाने लगे और पूरा जीवन चक्र डगमगाने लग पड़ा। शिव जी, जो इस जीवन चक्र के उत्तरदायी हैं, यमदेव से काफी क्रोधित होते हैं और उन्हें मिलने को बुलाते हैं। जब यमदेव वहां पहुंचे तो शिवजी बड़े प्रेम से उन्हें पास के तालाब से पानी लाने को कहते हैं। जैसे ही यमदेव पानी भरने के लिए झुके, वे एक भयानक मुख को देखते हैं जिसके दो सींग, बड़ी मूंछें और लाल आंखें होती हैं। ये देखकर वह घबरा गए और शिवजी के पास माफी मांगने के लिए गए, लेकिन तब तक शिवजी ध्यान मुद्रा में जा चुके थे। तब वह विष्णु देव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं और उनसे उनके रूप को ठीक करने का आग्रह करते हैं। विष्णु देव ये करने में तो असमर्थ थे, लेकिन हाँ, उनके सींगों को वह उनकी सवारी में स्थानांतर कर देते।